नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं पुष्कर लेले जी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मझे हुए कलाकार कह लें या युवा कलाकार कह लें, ये अब आप इनसे बात करने के बाद तय करिएगा। उम्र के हिसाब से युवा कलाकार, लेकिन गले के हिसाब से, गायकी के हिसाब से मझे हुए कलाकार। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद मुझे इन्वाइट करने के लिए। और पहला जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही बुनियादी मूलभूत प्रश्न होता है जो मैं सबसे पूछता हूं, लेकिन आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा कि जो ये गायकी में सफर शुरू हुआ था, वो शुरू तो हुआ था दरअसल एक जैसे घर में हमारे बच्चे बजाते हैं हारमोनियम या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उनको जब कोई तोहफे में देकर जाता है, लेकिन फिर वो कितना
उसको गंभीरता से लेते हैं और कैसे उसकी साधना करते हैं और उस संगीत के साधक बन जाते हैं। पुष्कर जी इसका भी एक बहुत सशक्त उदाहरण है। पुष्कर जी कैसे, अब बताइए क्या है ये असल में किस्सा कि वो हारमोनियम आया और हारमोनियम पर आपने कुछ बहुत ही प्रचलित धुनें जो हम सबके घर में बच्चे बजाते हैं, कोशिश करते हैं, जिनको भी संगीत का थोड़ा बहुत शौक है, और वहां से सफर शुरू हुआ। थोड़ा अपनी उन यादों को ताजा कीजिए। जी बिल्कुल, मैं शायद 3 साढ़े 3 साल तब मेरी एक बुआ थी, तो उन्होंने एक है मैंने उन्होंने एक बहुत छोटी सी एक 1.5 सप्तक की जो हारमोनियम होती है, मैंने आजकल ऐसी हारमोनियम मैंने देखी भी नहीं है, एकदम टॉय हारमोनियम जिसको कहते हैं, बस 1 या 1.5 सप्तक की, तो ऐसी उन्होंने भेंट मुझे दे दी कि बजा लेगा। तो उसपे मैं नर्सरी राइम्स जो किंडरगार्टन में हमको सिखाते थे और नेशनल एंथम ये सब जनगण मना वगैरह बजाता था, और जिस तरीके से मैं उसको बजाता था वो देख के मेरी माँ को एक्चुअली लगा कि ये कुछ अलग बात है, ये टैलेंट कुछ अलग लग रहा है। तो उन्होंने ये बहुत पहले स्पॉट किया, इसलिए मेरी तालीम भी शुरू जल्दी हुई। तो मेरे घर में एक मेरी बहन को सिखाने के लिए एक लेडी आती थी लाइट म्यूजिक, तो उनका मैं सुना करता था क्लासेस जो चलते थे। फिर बाद में उनकी मेरी बहन की मैं गलतियां निकालने लगा कि नहीं ये टीचर ने ऐसा नहीं ऐसे कहा था ऐसे सिखाया था, तो फिर वो टीचर बोली कि वो गलतियां निकालने के बजाय आप तुम खुद क्यों नहीं सीख लेते हैं, स्टार्ट लर्निंग। सो आई स्टार्ट लर्निंग विद हर। तो उनसे कुछ साल मैं मेरे ख्याल से 2-3 साल 3 साल उनसे जो लाइट गाने होते हैं मराठी हिंदी भजन अभंग इस टाइप के और लाइट म्यूजिक के, तो वो उनसे सीखा, और फिर साथ साथ की जब उम्र हुई तब हमारे घर के बगल में ही एक दत्त का मंदिर है, तो वहां पे मेरा पहला प्रोग्राम हुआ 1.5 घंटे का, तो जो भी कुछ टीचर ने सिखाया था वो सभी वहां पे मैंने गाया, और फिर वहां का जो रिस्पांस लोगों का मिला और काफी सारे लोगों ने कहा कि ये कुछ अद्भुत है, ये कुछ प्रोडिजियल टैलेंट लगता है, कोई सामान्य ये लड़का नहीं लगता, तो आप इसको सिखाइए, क्लासिकल सिखाइए जरूर, और इसको इसी में आगे शायद ये काम करेगा। तो फिर मेरी माँ ने काफी रिसर्च किया कि किनके पास गुरु कौन कौन अच्छे सिखा सकता है पुणे में, तो उस समय तो पुणे में एक ही नाम था, बहुत बुजुर्ग थे वो पंडित गंगाधर बुआ पिंपळखरे जी, माने उम्र के हिसाब से भी वो काफी बुजुर्ग थे उस टाइम पे भी, क्योंकि वो 80 के थे शायद और मैं 8 का था, तो दैट वाज द एज डिफरेंस। तो मेरी माँ उनके पास लेके गई कि आप कृपया इसको सिखाएं, तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं इतने छोटे बच्चों को मैं नहीं सिखाता, मेरी एक शिष्या है आपके घर के पास में, तो आप वहां उसको लेके जाइए, वो आप वो सिखाएंगे। तो मेरी माँ ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप एक बार इसको सुन लीजिए, अगर फिर भी आपको लगा कि कहीं और इसको मैं ले जाऊं तो मैं ले जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे जो भी आता था मैंने एक हाथ दो शायद कुछ सुनाया होगा, मुझे भी याद नहीं अभी, पर वो सुनकर वो बोले कि नहीं नहीं ये मेरे पास ही आएगा, कल से क्लास चालू। तो पिंपळखरे गुरुजी के साथ मैं 8 साल रहा, और ग्वालियर घराने की जो फाउंडेशनल बेसिक और बहुत स्ट्रॉन्ग जिसको तालीम कहते हैं वो मुझे उनसे 8 साल में सीखता रहा, हफ्ते में 3 बार एक एक दो दो घंटे उनके पास जाके सीखा, तो इसलिए मेरा फाउंडेशन म्यूजिक का बहुत अच्छा हुआ, दूसरे गुरुओं के पास भी जाना हुआ, बिल्कुल, उस पर भी हम तो शुरुआत तो ऐसी हुई है। बिल्कुल उस पर आपके बाकी जो गुरु रहे और बड़े दिग्गज नाम हैं वो भारतीय शास्त्रीय संगीत में, बहुत ही सम्मानित नाम हैं, उन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये 8 साल की उम्र में प्रॉपर एकदम 80 साल के गुरु से, वो भी इतने
मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रतिष्ठित घरानों में से एक, ग्वालियर घराने के गुरु से संगीत सीखना, तो बचपन में शिकायत, बदमाशी बदमाशी करने का कोई मौका मिला नहीं, या करते नहीं थे बदमाशी, मतलब गुड बॉय थे या एकदम, या म्यूजिक की वजह से कुछ कर ही नहीं पाए? नहीं, वैसे भी गुड बॉय थे हम, और बदमाशी करनी होती थी वो तो स्कूल में होती थी, तो स्कूल तो छूटता नहीं था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का ये तकाजा था कि दोनों करना है, ये नहीं कि आप गा रहे हो तो उसके उसका कुछ कंसेशन आप स्टडीज में लो, या स्टडीज कर रहे हो तो उसका कुछ कंसेशन गाने में लो, उधर भी अच्छा ही काम करना था। तो पहले 5 में हमारा उधर भी नंबर आता था स्कूल में, और हम मुझे याद है बहुत देर उस समय रात को महफिलें होती थी, 9 9:30 बजे तो कार्यक्रम चालू हो जाता था, और एक आर्टिस्ट करीब करीब 4 साढ़े 4 घंटा गाते थे, और लोग बैठ के सुनते भी थे, तो होते कभी सुबह के 2 बज जाते, तो हम मैं और मेरी माँ अकेले इस टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट सम 30 years बैक, घर आते थे वापस, और सुबह 7 बजे की स्कूल होती थी, तो देवे नो कंसेशंस, बट जहाँ मस्ती जो बचपन की होती थी वो तो हमने वो भी किया, पढ़ाई भी की, सब कुछ किया। अच्छा पुष्कर जी, ये भी बताइए कि ऐसी कोई परंपरा तो परिवार में थी क्या संगीत की? मतलब एक तो होता है कि संगीत का शौक होना, और जिसको हम बहुत प्रचलित भाषा में कहते हैं कि तानसेन ना सही कानसेन घर में होते हैं कई लोग, तो एक तो वो होता है, दूसरा ये होता है कि घर में उस तरह से परंपरागत तालीम का सिलसिला भले ना रहा हो लेकिन संगीत रहा हो। आपके परिवार की पृष्ठभूमि में ऐसा कुछ था क्या? मेरे परिवार में दोनों तरफ से गाना बकायदा किसी ने सीखा नहीं था, या गाने की तालीम तो वैसे ली नहीं थी, हमें नहीं बिलोंग करता, पर दोनों तरफ से बहुत सभी फैमिली मेंबर्स को गाने की अच्छा गाना सुनने की आदत थी, अच्छा गाना अप्रिशिएट करते थे, और कानसेन उसमें से कुछ लोग तो कानसेन जरूर थे, और सबसे बड़ी कांसेन तो मेरी माँ थी, क्योंकि उन्होंने अगर ये जल्दी स्पॉट नहीं किया होता मुझे में कुछ टैलेंट है ऐसे करके मेरा सीखना होता, तो मेरी माँ का कंट्रीब्यूशन काफी है इसमें। और मुझे याद है कि स्कूल के टाइम पे हम लोग उस टाइम पे बहुत कॉम्पिटिशन हुआ करती थी, पुणे मुंबई और सांगली इचलकरंजी महाराष्ट्र में कई जगह पे कोल्हापुर, तो हम लोग जैसे आजकल के बच्चे पार्टी हॉपिंग करते हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी फिर तीसरी पार्टी, वैसे हम लोग उस टाइम पे कंपटीशन हॉपिंग करते थे, कि यहाँ की पुणे के वहीं तो सांगली गए, फिर वहां से कोल्हापुर गए, वहां से मिरज गए, और उस दौरान कैसेट का जमाना था, तो नाट्य संगीत और बाद में फिर क्लासिकल का कॉम्पिटिशन होते थे, तो एक एक गाना अच्छे अच्छे गाने चुनके मुझे माई मदर यूज टू गिव, और उनको कैसेट को बिल्कुल आगे पीछे घिस घिस के हम उसको तैयार करते थे, किसी का ऐसे ऐसे नहीं थे वो गाने, या नाट्य संगीत में किसी से बाकायदा सीखा नहीं था, पर कैसेट सुन सुन के, और सभी कंपटीशन में फिर नंबर लाते लाते हम लोग ऐसे मजा आता था उस टाइम पे, वो भी एक माने मस्ती के लिए हमारे, दैट वाज एन एवेन्यू फॉर अस एक्चुअली, और समझता भी था कि हम कहाँ खड़े होते हैं, इतने जब बाकी लोगों का भी सुनते थे कंपटीशन में, ऐसा नहीं कि अपना नंबर आया और अपना गाना गाया और गा के चले गए, ऐसा नहीं होता था, हम सभी का गाना सुनते थे और सभी से कुछ ना कुछ सीखते जरूर थे। एक मौका होता है पुष्कर जी, ये हमारा जो इंटरव्यू सीरीज है जो हम पिछले 2 ढाई साल से चल रही है, और उसमें हम हमेशा अपने मेहमान से ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने इस इंटरव्यू के दौरान अपने गुरुओं को भी याद करें, अपने गुरुओं को इसलिए याद करें कि उन्होंने ही गढ़ा, और आपने अपने पहले गुरु के बारे में हमें बताया विस्तार से कि किस तरह से, मतलब लगभग लगभग 10 गुना उम्र का फर्क था, प्लस वो जिस घराने से थे उसका भी आपने जिक्र किया, लेकिन थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से उसके बाद भी बताइए कि किस तरह से आपके और गुरु आपके आप उनके जीवन में आए कह लें, या वो आपके जीवन में आए, लेकिन अल्टीमेटली एक कलाकार गढ़ा गया।
जी जरूर। तो पिंपल खरे गुरु जी तो पंडित विनायक बुआ पटवर्धन के शिष्य थे और कुछ सवाई गंधर्व जैसे भी उनको तालीम मिली थी। तो उनसे करीब 8 साल सीखने के बाद ऐसे हमें लगने लगा कि थोड़ा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो है उनके पास जाकर सीखना अच्छा होगा, क्योंकि एक परफॉर्मेंस आर्ट की कला अलग होती है। तो वो भी थोड़ा सीखना चाहिए। तो एक कंपटीशन में जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी, ऐसे ही एक कंपटीशन में विजय कोपरकर जी ने मेरा गाना सुना था और उन्होंने मेरी माँ को उस वक्त कहा था कि इसको मैं सिखाना चाहूंगा। तो ही वॉज हिमसेल्फ लर्निंग देन, वो उनका एमी मेटलर जी उस वक्त चल रहा था। तो मेरी माँ ने कहा कि आपका खुद का एजुकेशन के पहले खत्म हो जाए, देन उसके बाद हम जरूर आएंगे। तो उस अकॉर्डिंग टू दैट पंडित विजय सरदेश पंडित विजय कोपरकर जी के पास मैं तालीम लेने लगा। तो वे शिष्य रहे हैं पंडित जितेंद्र अभिषेकी और डॉक्टर वसंतराव देश पांडे जी का। तो उनसे भी अगले 8 साल उनसे मैंने तालीम ली। तो वो काफी दूर रहते थे पुणे से। वो भी एक बताने जैसी चीज है आजकल के बच्चों के लिए एक्चुअली, कि धायरी करके यहाँ से पुणे से काफी दूर, माने उस जमाने में तो गांव ही था, अभी कॉरपोरेशन के लिमिट में आ गया है, बट उस जमाने में वहां पर जाना हो तो 2-3 बसें चेंज करके जाना पड़ता था और लाइसेंस नहीं था उस वक्त 2 व्हीलर चलाने का। तो रास्ते लोनली थे, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करते थे, तो बिल्कुल माने गांव में जैसे वो रहा करते थे। तो कीचड़ हो, दलदल हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हमारे जो दिन थे वो कभी चूकते नहीं थे। तो ऐसे 8 साल उनसे तालीम ली और उनसे जो जिसको संगीत का माल मसाला कहते हैं, नंबर ऑफ रागस, नंबर ऑफ बंदिशेस, वो उनसे मुझे काफी काफी राग, काफी बंदिशें, क्योंकि अभिषेक जी के पास आप जानते हैं कि कितना बड़ा संग्रह था। तो उनसे उसी परंपरा में से मुझे भी काफी सारा वहां से मटेरियल मिला। फिर ये सब होने के बाद ऐसे लगा कि कहीं अपना संगीत रुक गया है, अपना माने मेरा, कि कहीं कुछ दूर का दिख तो रहा है पर समझ में नहीं आ रहा कि वहां कैसे जाए, क्या जहां पर मैं हूँ वही संगीत है या इससे परे भी कुछ है। तो थोड़ा एक जो आर्टिस्ट का एक डायलेमा होता है क्रिएटिव, आई ऑल्सो वेंट थ्रू दैट। और उस दौरान मेरे हाथ में एक किताब आई जिसका इट्स अ वर्बैटिम ट्रांसलेशन ऑफ नॉट ट्रांसलेशन ट्रांसलिटरेशन ऑफ वन ऑफ कुमार जी वर्कशॉप्स दैट ही डिड इन वाशी। तो वाशी में कुमार जी ने एक वर्कशॉप किया था, तो उसका वो वर्बैटिम ट्रांसलिटरेशन है, उसका नाम है मुक्काम वाशी, काफी मराठी में प्रसिद्ध बुक रही है। तो वो मैं पढ़ते गया और ऐसे लगा कि ये तो कुछ अलग है, ये कुमार जी की दुनिया कुछ अलग है, ऐसे संगीत की तरफ हमने तो कभी देखा ही नहीं, इसको जानना चाहिए, ये विचारों को हमें जानना चाहिए। क्योंकि वो बुक तो पढ़ते लगता है कि हमको समझ में आती है, बट वो समझ में नहीं आती जब तक उसको डिकोड करना पड़ता है बुक को एक्चुअली, क्योंकि कुमार जी उसमें एक स्तर पे बात कर रहे हैं, बाकी के ऑडियंस एक दूसरे स्तर पे है, तो उसको समझना थोड़ा कठिन होता है। तो मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, मेरे बहुत बुजुर्ग हैं मुझसे सीनियर कलाकार हारमोनियम वादक डॉक्टर अरविंद थत्ते, जो मेरे बचपन से मेरी उन्होंने पूरी मेरा ट्रेजेक्टरी देखी है। तो उनसे मैंने बात की और वो बोले कि विजय सरदेशमुख जी के पास आप जाइए, वही हैं जो आपको इसको डीमिस्टिफाई और डिकोड कर सकते हैं। तो विजय जी के पास गया और ही थैंकफुली अग्रीड टू हैव मी एज हिज डिसाइपल। पर वो काल मेरे लिए बहुत मुश्किल का काल था उसके। उन्होंने हाँ तो कर दी, हमने तालीम भी चालू कर दी, पर ऐसी तालीम होगी मालूम नहीं था
क्योंकि आप मानिए या ना मानिए, मैंने उस 16 इयर्स तक मेरी तालीम हो गई थी। मैं अच्छा खासा गा रहा था, प्रोग्राम्स हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। उसके बाद जब विजय सरदेशमुख जी के पास में गया, तो अगले 6 महीने उन्होंने सिर्फ मुझे सा लगाने के लिए कहा, और वो भी मेरे साथ 6 महीने सिर्फ सा लगाते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मुझे लगा ये क्या हो रहा है। इतने साल हम सीखे, अब क्या हमारे अब सा लगाना भी नहीं आता। तो ऐसे बहुत सिलसिला चला, हफ्तों हफ्ते चले गए, महीने चले गए, 6 महीने चले गए। 6 महीने के बाद एक दिन एक क्षण मेरा सा ऐसे लगा कि उनकी आंखों में एक चमक मैंने देखी। 6 महीने के बाद ही स्माइल्ड एंड इवन आई रियलाइज एट दैट पॉइंट कि इतने साल शायद मैं सेंटर ऑफ द नोट, जिसको कहते हैं ना बुल्स आए, वो सा के केंद्र बिंदु में मैं कभी गया ही नहीं था, वहां पे कभी पहुंचा ही नहीं था। और वो सा का जो प्रकाश फिर पड़ा, जो दिखाई दिया, वो क्षण अविस्मरणीय है। उसको बयां करना, शब्दों में बयां नहीं कर सकते उसको। तो 2 6 मंथ्स वेर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। उस दौरान हमने काफी गुरुजी से बातचीत में करता था, मुक्कामवाशी मैंने उनसे पूरा डिकोड कराया, और ये इधर उधर की गाने के ऊपर बहुत हम बातें करते थे। तो उनसे उस दौरान काफी कुछ एक अलग ही नजरिया मुझे संगीत की तरफ देखने का मिला। एंड देन इट वॉज वेरी इजी फॉर मी, देन इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ फिश टेकिंग टू वॉटर। क्योंकि 16 17 साल जो सीखा है उसको पूरा घिस के अनलर्न करके, जो हम जैसे मराठी पे में कहते हैं कि पाटी कोरी करने, जो स्लेट होती है, कंप्लीटली टू वॉश दैट स्लेट क्लीन एंड टू लर्न समथिंग न्यू, इट कुड गो आइदर वेज, इट्स अ वेरी डेंजरस प्रपोजिशन। बट वो 6 महीने के बाद मुझे कुमार जी क्या है, उनकी फिलोसफी क्या है, उनका संगीत के देखने का दृष्टिकोण क्या है, उनकी गायकी क्या है, विचार क्या है, ये पूरे मुझे समझ में आ गए। और फिर बिल्कुल मुश्किल रही नहीं, क्योंकि कुमार जी जैसे कलाकारों के तरफ जाना ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर वो ठीक से नहीं समझे आपको तो ना घर के ना घाट के ऐसे हो सकता है गायकी की दृष्टि से। तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ वैसा नहीं हुआ। जो भी मैं सीख पाया हूँ वो विजय जी की कृपा से, और उन्होंने जो मुझे दृष्टि दी है इसकी वजह से ये हो पाया। उसके बाद कुमार जी वॉज नॉट अ डिफिकल्ट एरिया फॉर मी, बहुत स्वाभाविक हो गया मेरे लिए उनको समझना, और आगे की जो जर्नी थी वो बहुत ही सरल हो गई मेरे लिए। तो 4 5 साल में उनसे सीखा, फिर उसके बाद मैं कुमार जी के एक और शिष्य जो पुणे में है, डॉक्टर सत्यशील देश पांडे, पंडित सत्यशील देश पांडे, उनके पास भी मैं पिछले कुछ सालों से उनसे भी तालीम ले रहा हूँ। उनसे भी एक अलग दृष्टि मुझे मिलती है, और अभी भी मैं उनके पास जाता हूँ। पंडित सत्यशील जी का बड़ा स्नेह रहा है हमारे इस हमारी संस्था के प्रति, और उनका भी इंटरव्यू हम इस प्लेटफॉर्म पर कर चुके हैं। कुमार जी के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कुमार जी को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमूमन ये एक धारणा सी है कि अगर आपको भजन सुनने हैं तो आप कुमार जी का उड़ जाएगा, हंस अकेला या हिरना या जितने भी उनके लोकप्रिय भजन हैं, लेकिन कम ही लोग ये समझ पाते हैं जो थोड़ी गहराई में जाते हैं कि कुमार जी ने ये भजन शास्त्रीय गायकी में अपना नाम बहुत ऊपर तक ले जाने के बाद गाए हैं। वो बहुत पक्के शास्त्रीय गायक, आप उनके उनकी बंदिशें, उनकी रागें सुनिए जाकर, ढूंढ कर, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भजन गायकी उनकी शख्सियत के या उनके पूरे व्यक्तित्व का एक एक हिस्सा भर थी, सिर्फ वही हिस्सा नहीं थी। रही बात आपने बिल्कुल कहा कि 6 महीने तक आपने सिर्फ सम लगाया, तो मुझे याद आ गया प्रभा जी का सा किस्सा, सा
वही सा लगाया आपने। हाँ प्रभा अत्रे जी कहती हैं, हालांकि राग यमन तो वैसे भी बेसिक राग है जो शुरुआत में ही सिखाया भी जाता है आपको। खैर मैं क्या बताऊंगा, ये तो आप मुझसे कई गुना जानते हैं, मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए बता रहा हूँ। प्रभा अत्रे जी बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं, और वो भी यही कहती हैं कि उनको भी शुरुआत में 1 साल तक उनके गुरु ने कहा कि और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ राग यमन सीखो। और 1 साल तक राग यमन सीखने के बाद की जो बात थी वो ये कि अगले 1 साल में उनके 6 राग तैयार हो गए। तो संभवतः पुष्कर जी का भी कहने का जो सेंस है वो यही है कि सिर्फ स लगाना था 6 महीने तक, लेकिन फिर वो जब स के केंद्र में जाकर समझ में आ गया कि स क्या है, तो फिर आगे का रास्ता अपने आप आसान होता चला गया। वैसे तो पुष्कर जी ये पर कहना दोनों में डिफरेंस है जी शैलेंद्र जी, सॉरी, क्योंकि आपकी तालीम की शुरुआत में ये प्रोसेस हो तो अलग बात है, पर आप हाँ जब 16-17 साल बिल्कुल, सीख चुके होते हैं उसके बाद ये करना बहुत कठिन ये आपने है बिल्कुल कि सही बात कही, अपना ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक एक रॉ आदमी आए उसको आप कहें कि आप 1 साल तक राग यमन गाओ या राग कोई भी गाओ, वो बिल्कुल अलग है। और एक आदमी जो 16 साल तक सीखा हो उससे आप कहें कि नहीं अब तुम एक काम करो सारी गायकी भूल जाओ और सिर्फ स लगाओ, निश्चित तौर पर ये अलग है। लेकिन मैंने सिर्फ एक किस्से के तौर पर बताया। जी। कुमार जी को आपने डिकोड किया, कितना डिकोड कर पाए? आई डोंट वॉन्ट टू ब्रैग, और कोई भी उनको 100% डिकोड नहीं कर सकता। शायद वो अपने आप को 100% डिकोड नहीं कर सकते, बट काफी हद तक मैं समझता हूँ कि अब परसेंटेज में तो नहीं बता सकता, पर जो भी कर पाया हूँ वो तो लोगों के सामने है। पर उसका एक उदाहरण जरूर दूंगा कि क्योंकि क्या होता है कि कुमार जी को फॉलो करने वाले आप अभी काफी ज्यादा लोग बढ़ गए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो फॉलोइंग उनका या उनका समझना कुमार जी का इन इन्वर्टेड कॉमास इज विजिबल और ऑडिबल ओनली इन व्हेन दे सिंग कुमार जीज बंदिशेस और कुमार जीज उनकी रचना जब गाते हैं तभी वो कुमार जी अवतरण होते हैं उनमें, हाँ बाकी के टाइम नहीं होते। तो मेरी काफी जो नई बंदिशें हैं नए कंपोजर्स की वो या भजन भी हैं कुछ, वो मैंने जब गाए तो कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसे आईं कि अरे ये कुमार जी की बंदिश हमने तो सुनी ही नहीं थी, ये भजन कुमार जी का हमने सुना ही नहीं था। तो आप में अगर वो बात आ गई है तो उसका प्रतिबिंब आप जो भी करेंगे उसमें वो दिखाई पड़ेगा। हाँ सो यू नेचुरली टेंड टू थिंक कि इसको कुमार जी कैसे ट्रीट करेंगे, इसको कुमार जी कैसे देखेंगे, वो कैसे, और ये स्वाभाविक रूप से होता है। कुमार जी ऐसे नहीं, कुमार परंपरा में इसको कैसे देखा जाएगा या उनकी, बिकॉज कुमार जी नेवर वॉन्टेड एनीबडी टू फॉलो हिम और एनीबडी टू सिंग लाइक हिम। वो कहते थे कि मेरे जैसा मत कहो, जो मैं कहने के लिए करता हूँ वो करो। तो दैट इज व्हाट आई हैव आल्सो ट्राइड टू डू, पर ये कहना आसान है, करना काफी मुश्किल है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप जब फॉलो करते हैं तो शुरुआत के कुछ समय उसका इमिटेशन होता है। फिर आप उसे धीरे धीरे करके उससे बाहर आते हैं। देन यू स्टार्ट लुकिंग एट द पर्सन एज ए ह्यूमन बींग एंड सी बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ हिम एज एन आर्टिस्ट। तो अच्छे बुरे सभी एंगल से, और कुमार जी ने ही कहा है कि एनालाइज करना चाहिए हर चीज को, हर गायक को, अपने गुरु को, अपने आप को। तो बहुत एनालिटिकल व्यू पॉइंट से मैं उनको देखता हूँ। मैं कुमार जी का भक्त नहीं हूँ, मैं किसी का भी भक्त नहीं हूँ, और ये मैं कुछ घमंड से नहीं कह रहा या कुछ ईगो से नहीं कह रहा। मेरा ये मानना है कि अगर कोई अपने आप को संगीत का स्टूडेंट मानता हो तो वो किसी का भक्त नहीं हो सकता, उसको एनालिटिकली ही देखना पड़ेगा और अपने आप को भी एनालिटिकली समझना पड़ेगा, और जो उसके लिए सूटेबल है उस उन्हीं बातों को उन्हीं आर्टिस्ट से अपने आप के लिए उसको कैसे अडाप्ट करना है, असिमिलेट करना है, ये उसको विचार करना होगा, और वो विचार एनालिसिस के बगैर नहीं होगा, नहीं तो अंधानुकरण होगा। तो अंधानुकरण फॉर्चुनेटली
मुझसे नहीं हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। और मेरा प्रयास तो यही रहा है और रहेगा कि परंपरा तो वही रहे पर उसमें अपनी एक शाखा बने। क्योंकि देखिए, ये कहना बहुत आसान होता है कि आप अपनी गायकी बनाई है और ये सिर्फ उनको कहा जाता है जो नॉन फैमिली मेंबर्स हैं। फैमिली मेंबर्स के लिए इट इज अलाउड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, पर जो परंपरा में उसी में है, पर उनको कहा जाता है कि नहीं, आप उनके तरह क्यों गाते हैं, आप उनको क्यों फॉलो करते हैं, आप अपनी गायकी बनाई है। तो ये बहुत कहना आसान होता है, पर आप भी जानते होंगे कि असल क्रिएटिव जिनको कह सकते हैं और असल स्वरूप में ओरिजिनल अपनी गायकी करने वाले लोग 0.1% 1% है HCM दुनिया में, हिंदुस्तानी में। बाकी के सभी लोग 99% 95% आर फॉलोअर्स। और फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, उसी से तो घराने बने हमारे, उसी से तो इतना घमंड होता है घराने का। तो फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसमें अपनी आइडेंटिटी बनाना ये बहुत जरूरी है, और ये हमेशा से मेरा प्रयास रहा है और रहेगा। इन विचारों में भी काफी कुछ समानता है जो कुमार जी कहते थे। कुमार जी ने खुद तमाम बड़े घरानों से तालीम ली थी, लेकिन वो बहुत दबंगई के साथ कहते थे कि मैं घरानों की कुलीगिरी नहीं करता हूँ। और इसीलिए आप अगर उनको पढ़ेंगे, और जितना हम लोग का कॉमन लिंक आप ऐसे समझिए कि हिंदी में बहुत बड़े जर्नलिस्ट हुए, पत्रकार हुए, हम लोग के लिए तो एकदम पिता वाली छवि रही प्रभास जोशी जी की। और प्रभास जी और कुमार जी बहुत अच्छे मित्र भी थे।
प्रभाष जी अपने घर में कुमार जी का तस्वीर और प्रभाष जी के, तो हम लोग के लिए कुमार जी को समझने का जो पहला जरिया या पहली खिड़की थी वो प्रभाष जी थे, और इसलिए बहुत सारा हमने भी सुना, हमने भी बहुत कुछ समझा, और फिर प्रभाष जी के जरिए बहुत सारे किस्से पता चले कि कैसे कुमार जी को खाने का शौक क्या था, कैसे वो बहुत थोड़ा थोड़ा ही खाते थे लेकिन उनको बहुत सारी चीजें पसंद थी, कैसे वो कहते थे कि राग को चारों तरफ से देखो, जैसे हाथी खड़ा है तो सिर्फ हाथी की सूंड मत देखो, हाथी को घूम के चारों तरफ से देखो तो नजरिया मिलता है। लेकिन पुष्कर जी, मेरा जो आखिरी सवाल है, दरअसल वो पहला सवाल भी हो सकता था लेकिन मुझे लगा कि चलिए आखिरी में ही पूछेंगे। जब आप कहते हैं कि कुमार जी को डिकोड करना इतना आसान काम नहीं है, और अब जब आपकी गायकी सुनने के बाद लोग आकर कहते हैं आपको, या आपका परिचय कई जगहों पर ऐसे कराया जाता है कि आपकी गायकी में वो अंश दिखता है कह लें, या वो महक दिखती है, वो खुशबू दिखती है जो कुमार जी की गायकी में थी, इसको आप कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं, इसको आप एक बड़ी जिम्मेदारी की तरह लेते हैं, कैसे लेते हैं दरअसल इसको आप? दोनों हैं, क्योंकि कुमार जी एक 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 क्षण मान लेते हैं कि मैं या एक व्यक्ति कुमार जी की कॉपी करता है, तो ये हमारी उनके सुपुत्र मुकुल जैसी भी बात हुई थी कि कुमार जी की कॉपी करना भी कोई कम बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई एक आदमी उनकी कॉपी कर रहा है तो दैट इज डेफिनेटली अ कॉम्प्लीमेंट, और उसके आगे जाके भी उसकी सुगंध आना, महक आना, उनकी छवि दिखना, ये मैं कुछ बुरा नहीं समझता, बिल्कुल ही बुरा नहीं समझता, इफ इट्स नॉट ऑन अ सुपरफिशियल लेवल। हाँ, कि मैं उनके जैसे बैठूं, उनके जैसे एक्शंस करूं, उन्होंने अपने आवाज के लिए, अपने लिए जो कुछ एक वॉइस प्रोडक्शन के नियम बनाए थे, उनको मैं अपने लिए आत्मसात करूं, या उनकी कुछ और भी सुपरफिशियल चीजें हैं विच आई कैन अवॉइड, वो भी मैं करूं, तो ये तो बहुत ऊपरी ऊपरी हुआ। अगर आप असल चीज जान गए हैं तो जैसे वो कहते हैं ना, मस्क हिरन का, तो खुशबू आएगी ही, एंड आई आई विल टेक इट एज कॉम्प्लीमेंट, आई डोंट कंसिडर इट एज एनी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। चलिए, तो बहुत बहुत सकारात्मक मोड़ पर हम इस इंटरव्यू को खत्म कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं, समय निकालने के लिए धन्यवाद तो एक औपचारिकता है ही है, लेकिन आप जिस उम्र में, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपकी आवाज से आपकी परिपक्वता या एक मझे हुए कलाकार और आपकी उम्र, इन दोनों में जो फासला है वो बड़ा दिलचस्प है, और वो फासला आपकी सोच में भी नजर आता है जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत में कुमार जी से लेकर और कुमार जी की से पहले भी जो आपकी गायकी की समझ है उसको लेकर जो बातचीत हुई, मजा आया बातचीत में यकीनन पुष्कर जी, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं वो औपचारिकता कर देता हूँ, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद कि थैंक आपने यू बताया आज शिवेंद्र थोड़ा जी, मुझे सा। भी बहुत मजा आया, और इंशाल्लाह वापस मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, और मुझे पता है कि अभी थोड़ा सा आपके इलाके में बिजली की समस्या थी, वरना तो अभी हम आपसे कुछ गायकी की भी फरमाइश करते, लेकिन अब वो फरमाइश हम आपके पुराने कुछ कार्यक्रमों के जरिए अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।